हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार, हर एक को मिले स्वाभिमान का अधिकार। 125 करोड़ की जनसंख्या के सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र की एनडीए सरकार वक्त वक्त पर कई योजनाएं लाती रही है, जैसे जनधन योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, और अब इस दिशा में उठाया गया है एक और कदम स्टैंड अप इंडिया के रूप में। इन तमाम योजनाओं के जरिए सरकार की कोशिश ये है कि हमारे देशवासी आत्मनिर्भर बने, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, और जब देशवासी आगे बढ़े तो उसी के जरिए देश का भी विकास हो। लेकिन इस विकास की दौड़ में समाज के आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति यानी समाज का कमजोर वर्ग कहीं पीछे ना छूट जाए, इसीलिए लाई गई है स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया यानी समाज के उस वर्ग को खड़ा करना जिसे खड़ा होने के लिए किसी सहारे या हाथ की जरूरत है। लेकिन जब भी ऐसी पहल की जाती है तो साथ ही खड़े होते हैं तमाम बड़े सवाल भी कि क्या ये योजना वाकई जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगी, क्या हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे तंत्र और व्यवस्था की जो तमाम खामियां हैं वो इसकी राह में बाधा न बने, या अन्य योजनाओं के साथ ये योजना क्या हमारा सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य पाने में सफल हो पाएगी। ये और तमाम अन्य सवाल हमारे सामने हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज चर्चा में। लेकिन सबसे पहले आइए आपका स्वागत करा देते हैं हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं एन के चंदन जी, जो दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष हैं, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आपका स्वागत है चंदन जी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ, आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ हैं जगदीश उपासने जी, जो सामाजिक आर्थिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं राधिका थापर बहल, जो एक महिला उद्यमी है, वुमेन एंटरप्रेन्योर, आपका भी स्वागत। हमारे साथ पूजा मेहरा भी हैं, जो आर्थिक पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ हैं अनिल भारद्वाज जी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आपका भी स्वागत। साथ ही स्वागत करते हैं हमारे तमाम यहां मौजूद जनता का भी, जो हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए एक नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।